हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल है एसकेसी टेक्निकल में आप सबके स्वागत है। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि संबंधित है सीजी व्यापम से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सीजी व्यापम के द्वारा पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के संबंध में इस वीडियो को बनाया है। तो फाइनली छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिए गए हैं। और ये भी बता दिए गए कि कब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग नवा रायपुर का पत्र क्रमांक है F1-24/2020/7-3 दिनांक 18/10/2021 एवं अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नवा रायपुर का पत्र क्रमांक F1-24/2020/7-3 दिनांक 11/11/2021 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा निम्नानुसार परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका डिटेल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह है 4 मार्च 2022 दिन शुक्रवार से। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 23 मार्च 2022 मंगलवार रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा इसमें त्रुटि सुधार हेतु 23 मार्च से 25 मार्च तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, 23 मार्च से 25 मार्च 2022 तक। और इसका संभावित जो परीक्षा तिथि है वो है 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार। परीक्षा का समय जो रहेगा वह पूर्वाह्न रहेगा और परीक्षा केंद्र जो रहेगा प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र होगा। तो अभ्यर्थी अपने सुविधा अनुसार अपने परीक्षा केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ उक्त चयन परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की विधि, भर्ती नियम, विभाग द्वारा जारी विज्ञापन, पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क, भुगतान की विधि आदि का अवलोकन व्यापम की उक्त वेबसाइट पर किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकरणकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा। इस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति जारी किए गए हैं और इसमें फॉर्म जो है 4 मार्च 2022 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 22 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें।